हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, मेरा नाम है अर्जुन और फ्रेंड आज स्वागत है आपका फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज जो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये जगह है फ्रेंड रामलीला मैदान के जस्ट अपोजिट साइड में मैं खड़ा हुआ हूँ। और फ्रेंड, ये जो वीडियो है ना, काफ़ी टाइम से मेरे पास डिमांड आ रही थी कि यहाँ की वीडियो कवर करो, यहाँ की वीडियो कवर करो। तो फ्रेंड, आज मैं फाइनली उस लोकेशन पर आ गया हूँ और उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे पूरा। तो फ्रेंड, आज हम जिस जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं वो जगह है फ्रेंड दिल्ली का जीबी रोड। तो फ्रेंड, आपने नाम तो सुना ही होगा और ये दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। इवन दिल्ली क्या, पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया में फेमस है ये रोड। और फ्रेंड, ये रोड इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि बच्चा बच्चा इस रोड को जानता है। तो हम इसको पूरा चल के आज एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे वहाँ के ऑल डेट जो भी चीज़ें हैं, क्या अच्छा बुरा सही गलत, कब जाना चाहिए कब नहीं जाना चाहिए, कैसी जगह है वो, ऑल डेट आज सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपको आज तक पता नहीं होगी यहाँ के बारे में। और फ्रेंड, हो भी क्यों ना, क्योंकि ऑन डिमांड वीडियो है तो बताना तो पड़ेगा ही और जाने वाले हम। तो लेट स्टार्ट, देखते हैं और बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड, ये है वो मेन रेड लाइट जहाँ से जस्ट थोड़ी ही दूर जाने के बाद यहाँ से जीबी रोड स्टार्ट हो जाता है, जो हम अभी आगे चल के देखेंगे। और बैक साइड का फ्रेंड, ये पूरा एरिया है, ये रेड लाइट पर मैं खड़ा हूँ इस टाइम जस्ट सामने। अब देख रहे हो यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह लगा हुआ है। और जस्ट यहाँ से 500 मीटर आगे जाके न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये साइड का मेरे बैक साइड का एरिया है, बाकी हम यहाँ से अंदर चलेंगे, आ जाओ। तो फ्रेंड, आप देख रहे हो ये कितना भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर कितनी ज़्यादा पब्लिक और एक तरीके से ट्रैफिक जाम ट्रैफिक। और फ्रेंड, इस साइड में ये इस साइड का एरिया है जहाँ पर आप देख रहे हो ये कितना एक तरीके से नॉर्मल एरिया है और इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है दिल्ली का। बाकी यहाँ से हम और आगे चलते हैं, आपको पूरा आज घुमाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। ओ फाइनली फ्रेंड, अभी मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ, ये लोकेशन फ्रेंड जीबी रोड का स्टार्टिंग है यहाँ से, और यहीं से हम अंदर जाने वाले हैं। आप देख रहे हो ये कैसा एरिया है। और फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के ज़्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पे उन्हीं का ज़्यादा एक तरीके से अड्डा है, या फिर आप जो भी बोल सकते हो। तो हम आगे चल के इसको एक्सप्लोर करेंगे पूरा। ओ फ्रेंड, यही है वो रोड जीबी रोड, गांधी बाबा रोड, जो बहुत ही नामों से फेमस है। और यही वो दिल्ली का वो रोड है जहाँ पे आप कुछ समझदार हो समझ गए होंगे, और ऐसी चीज़ें यहाँ पे मिलती है और लोग आना जाना लगा रहता है। बाकी नीचे पूरा मार्केट बसा हुआ है, आप इस साइड में देख रहे हो, काफ़ी बड़ी मार्केट है, दिल्ली की बहुत ही फेमस मार्केट है मोटर के लिए इस साइड में। और ये इस साइड का एरिया है और यहाँ पे चारों साइड सिर्फ मार्केट मार्केट है। और आगे चलने के बाद इसी रोड पे आपको वो चीज़ें भी मिलती हैं जो हम अभी देखेंगे और आगे चलकर। तो ये देखो फ्रेंड, जब तक हम आगे चल रहे हैं थोड़ा सा डिस्टेंस है, जब तक आप ये देखो साइड की कितनी बड़ी मार्केट है और यहाँ पे कितना भीड़ भाड़ वाला एरिया है ये। तो आप देख सकते हो इसे, इस साइड भी मार्केट है चारों साइड से, और इस साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी आपको सिर्फ मार्केट दिखेगी। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को आना जाना लगा रहता है, तो आप इस साइड देख सकते हो। तो फाइनली फ्रेंड, मैं उस जगह पे आ गया हूँ और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ पहले सामने जूम करके। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ एक तरीके से दो चार आदमी, 10-20 आदमी खड़े हुए हैं सामने। तो फ्रेंड, ये वैसे लोग हैं जो एक तरीके से आप जब भी यहाँ पे आओगे तो आपको बोलेंगे कि हम प्रोवाइड करवा सकते हैं ये वो, आपसे बात करेंगे। तो आप खुद सोच सकते हो ये लोग बहुत ही चालाक होते हैं, तो इन लोगों से बच कर रहना, ये लोग एक तरीके से आपको लूट पाट भी सकते हैं। और फ्रेंड, एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर। तो फ्रेंड, आप ये देखो सामने बोर्ड, महिला पुलिस चौकी। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये पुलिस थाना भी है कमला मार्केट का। आप सोच सकते हो यहाँ पे पुलिस थाना होने के बावजूद ये सारी चीज़ें दिल्ली में लीगलाइज हैं और चल रही हैं अच्छे से। तो आप जब भी आओ तो यहाँ पे देख सकते हो। बाकी और चलते हैं आगे। फ्रेंड, थोड़ी दूर जैसे ही मैंने ये पुलिस चौकी पार करी, या जैसे आप पार करोगे तो यहीं से ये एरिया स्टार्ट है। और जो आप ऊपर ये घर देख रहे हो, इन्हीं में ये लड़कियाँ औरतें प्रोवाइड होती हैं। आप देख रहे हो ये सामने कुछ इशारा कर रही है, ये चली गई अंदर की तरफ, मुझे देखते ही ये साइड में खड़ी है एक मोटी सी औरत। और आप यहाँ पे आओ तो आप इस देख सकते हो, इन लोगों से बचकर सावधान होके अपने तरीके से जो आपको ठीक लगे। बाकी और भी चलते हैं आगे, आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, इस साइड आपको एक औरत दिख रही होगी खड़े हुए सामने, यहाँ पे देख रहे हो कैसा एरिया सुनसान सा। और ये ऊपर जितनी भी बिल्डिंग है ना फ्रेंड, ये सामने की ये हर चीज़, सारी बिल्डिंग सिर्फ इन्हीं चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ से देखो फ्रेंड, यहाँ पर ना एक आदमी चिल्लाने लग गया था, शायद वीडियो बनाना यहाँ पर अलाउड नहीं है। आप ये देखो इस साइड में जितनी भी ये आपको बिल्डिंग और घर दिख रहे हैं, इन सब में यही काम होते हैं और इनके दलाल आपको नीचे मिल जाएंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, इन लोगों से बचकर रहना, ये दलाल बहुत ही तेज़ होते हैं, आपको लूट सकते हैं, आपको फालतू में कुछ भी बेवकूफ़ बना के कहीं से कहीं ले जाकर आपके पैसे वैसे लूट सकते हैं, आपको लूट के फिर आप यहाँ पे अकेले फंस भी सकते हो। तो देख सकते हो फ्रेंड, ये है सामने आपका 64 नंबर, यहाँ पे सामने आप देख रहे हो एक जीना जा रहा होगा सामने। और फ्रेंड, मैं पास में नहीं जा रहा इसलिए क्योंकि सेफ़ नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा सच बताऊँ तो। यहाँ पे आके काफ़ी एक तरीके से अजीब सा एनवायरनमेंट लग रहा है। और इस साइड में फ्रेंड देख रहे हो, आपको भी ज़्यादा लोग खड़े रहते हैं सामने। और सामने ऊपर देख रहे हो जितने भी घर है, उन सब में आपको जाओगे तो अनगिनत, एक तो नहीं अनलिमिटेड आपको मिलने वाला, तो आप जाओ तो देख सकते हो। और इस साइड में फ्रेंड, जब मैं आपको 56 नंबर भी दिखा देता हूँ साइड में आके।
तो फ्रेंड यहाँ पे थोड़ी दूर आगे आने के बाद आप एक ये चीज़ देखो, ये 58 नंबर। तो फ्रेंड यहाँ पे 58 नंबर कोठे हैं, और फ्रेंड यहाँ पे ना एक से लेके करीब 70, 80, 90 तक कोठे हैं। तो आप सोच सकते हो कितने ज़्यादा कोठे हैं यहाँ पे आने के बाद। और इस साइड से आगे चलते हैं हम और आगे। तो ये फ्रेंड आपका सामने 56 नंबर कोठा, और यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा पब्लिक खड़ी हुई है। और जब भी आप आओ तो यहाँ पे अंदर जा सकते हो। यहाँ पे दो कोठे सेफ हैं, 64 और 56 नंबर। और बाकी हम चलते हैं आगे, इस साइड में, इस साइड का एरिया है ये। तो फ्रेंड फाइनली मैं इसके वहाँ से निकल चुका हूँ बाहर। और फ्रेंड ये मेरे पीछे है हनुमान जी का मंदिर। और फ्रेंड यहाँ पे आकर मुझे थोड़ी सी सांस एक तरीके से मैंने ली है, क्योंकि फ्रेंड अंदर का इतना ज़्यादा गंदा माहौल था, और इतना ज़्यादा एक तरीके से फ्रेंड मैं उस माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और उस माहौल से निकलने के बाद फ्रेंड यहाँ के थोड़ी सी मुझे सांस मिली है, और एक तरीके से अच्छा एनवायरनमेंट मिला है। और मेरे बैक साइड में फ्रेंड यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा ये पुलिस स्टेशन भी है, जो पुलिस थाना है यहाँ का। तो फ्रेंड आप जब भी आओ तो मैं आपको बताऊँ तो यार सच में बहुत ही एक तरीके से मेरे को तो बहुत ही अजीब सा एनवायरनमेंट लगा। बाकी आप लोग आओ तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आपको क्या करना है। तो फाइनली फ्रेंड मेरा कैमरा एक तरीके से स्टॉप हो गया था। फ्रेंड मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, तो फ्रेंड आप जब भी आओ यहाँ पे तो अकेले बिल्कुल मत आना, क्योंकि एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप जब भी आओ 2-3-4 साथ में आओ। और यहाँ पे आने के लिए फ्रेंड आप जब भी आओ तो 64 और 56 ये दो ही सेफ हैं, बाकी और तो फ्रेंड सच में एक तरीके से मेरे को अनसेफ लगे। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।